फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हेल्थ में होंगे और अपने अपने परिवार का भी ख्याल रखते होंगे। तो अमित, तुमको क्या हो गया है? तुम जैसे बिहेव कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे दिल्ली में गुनगुन एक जिंदा लड़की है, बाकी सारी लड़कियाँ मर चुकी है। तुमको तो अब अपने आप को थोड़ा चेंज देना चाहिए। जब तुम देख रहे हो गुनगुन की शादी हो गई है, गुनगुन अपने लाइफ में सेटल्ड है, तुम मुंह उठाए बार बार उसके ससुराल चले आते हो, ये क्या, ये तो बहुत गलत बात है। तुमको अगर जाना है तो समर भाई के घर जाओ, राधिका के मायके तक चले जाओ, और अगर हो सके तो तुम गुनगुन के पापा से बात कर, गुनगुन के पापा के पास चले जाओ। पर तुम गुनगुन के घर बार बार क्यों आ रहे हो? आने का तो कोई अधिकार तुमको नहीं है। तुम वहां पे आ रहे हो भाई, जब लोग पुलिस केस कर देंगे, तुमको पकड़वा देंगे, तब तुम्हारी इमेज कहाँ रहेगी? तुम एक अच्छे सेंसिबल इंसान हुआ करते थे और तुम देखो अपने आप को तुम क्या बन गए हो। तुमको एक मैं सजेशन देती हूँ, तुम अपनी मम्मी को लेके थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, थोड़ा चेंज होगा मेंटली भी, तुम थोड़ा चेंज अपने में पाओगे और फिर तुम देखो तुमको लाइफ में क्या करना है। क्योंकि तुम यहाँ से गुनगुन गुनगुन कर रहे हो, तुम जो राधिका को बोल रहे हो, राधिका उससे पूछो उसके मन में क्या चल रहा है, तो राधिका तो खुद जानती है गुनगुन के मन में क्या चल रहा है। वो तो सीधा बोलेगी कि मुझे समर चाहिए, मुझे ना ध्रुव चाहिए ना अमित चाहिए, मुझे तो समर चाहिए, मैं समर के संग फिर से घर बसाना चाहती हूँ। तब तुम क्या करोगे? तुम फिर क्या समर बन जाओगे कि समर का तुम चोला पहन लोगे? तुम तो अजीब सा हरकत कर रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे और कोई धरती में लड़कियां नहीं बची हैं, सारी मर चुकी हैं, एक तुम ही हो और एक गुनगुनी है। ऐसी हरकतें मत करो, देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। तुम इतने बड़े एक इंसान हो, एक सेंसिबल इंसान हो, तुम कहाँ इतना अच्छा बिजनेस करते हो, कनाडा सेटल होने वाले थे, अब तुम्हारा क्या हो गया? यहीं पे तुम्हारा कनाडा बन रहा है दिल्ली में? गुनगुन गुनगुन करते जा रहे हो भाई, हद है तुम्हारी, हद है। इतना ये सब मत करो, हंसी आता है देख के कि ये ऐसे भी इंसान होते हैं। जिस लड़की की शादी हुई है, अब उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है कि एंगेजमेंट के टाइम में जैसे प्यार करता था, अभी मैं वैसे ही प्यार करता हूँ। ये सब बात का कोई लॉजिक नहीं है। तुम ये सब बात छोड़ो। गुनगुन क्या डिवोर्स दे देगी ध्रुव को? डिवोर्स दे के क्या तुमसे शादी करेगी? तीसरी शादी करेगी क्या? तुम यही चाहते हो? तो ये तो पॉसिबल है नहीं। गुनगुन का बस चले तो वो ध्रुव को छोड़ के समर के पास वापस चली जाए, तुम्हारे पास किस लिए आएगी वो? वो तो इतनी मुश्किल से शादी की ध्रुव को, जिसको वो अपने करीब भी नहीं आने दे रही है। अब तुम क्या चाहते हो? तो तुमको कहाँ से करीब आने देगी वो, ये तो सोचो। बाप रे, सच में एक हद है इंसान का, मगर ये इंसान की कोई हद नहीं है, सीमा पार। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग जिसको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।